हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, ये हमारा गैस का चूल्हा है। इसमें लो फ्लेम आ रहा था, जो कि फ्लेम बहुत ही कम हो गया गैस का, जो कि पावर चलना। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, देखिए हमने इसे निकल दिया है। जो वन ऑफ करने का था हमारा राइट लेफ्ट, और उसका जो खाली एक ही निकाले हैं, देखिए ये है। देखिए पूरा ऑयल गिर गिर के पूरा पानी लग, देखिए कैसे हुआ है दोस्तों। ज़्यादा नहीं है, देखिए गैस उल्टा करने के बाद आपको मेरा जो स्क्रू ड्राइवर जहाँ जा रहा है, इधर आपको बोल्ट दिखाई देगा दोस्तों। ये बोल्ट है, देखिए दोस्तों उसमें है, देखिए वो, देखिए बोल्ट, देखिए वही छोटा एक बोल्ट। इस बोल्ट को अगर हम इधर से निकल दिए तो टोटली ऐसा दोस्तों बाहर आ जाएगा, देखिए ये बाहर आ गया। और इसके अंदर एक स्प्रिंग भी होता है, देखिए पूरा तेल पूरा गिर गिर के पूरा जाम कर दिया इसे। और ये है दोस्तों बोल्ट, छोटा सा नट है ये, उसको छोटा स्क्रू ड्राइवर से निकल लेना। निकलने के बाद इसको ऐसे पकड़ लेना दोस्तों, ऐसे पकड़ने के बाद उसका अंदर क्या क्या है आपको बताते हैं। ये है आपका स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग आपका, उसको निकल लेना। फिर तो उसके अंदर और एक है, वो दोस्तों मेन है आपका, ये है। ये है दोस्तों, ये है मेन। अभी हम क्या करते हैं, अभी इसके अंदर दो होल्स होता है दोस्तों, एक बारीक का और एक मोटा वाला। हमने करंट का वायर लिया है, उस होल को जो एक वायर है सिंगल वायर से, इसमें बारीक होता है, ये देखिए एक ही बार डालेंगे दोस्तों। और उसमें एक ही वायर जाएगा, दो वायर आपको नहीं जाएगा दोस्तों। देखिए ये जो वायर्स है, एक ही है जा, उसको नहीं निकाला उसको, इसको हल्का सा वायर सा थोड़ा पुश करना उसके अंदर। ऐसा तीन चार बार हमने पुश लगाया है इसे, फिर ऐसे दोस्तों थोड़ा साफ कर लेना। साफ करने के बाद हाय फ्रेंड्स, देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ हमारा रिपेयर। एक और इसको भी देखते हैं, ये है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे बोल लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें।